यश किडनैप हो चुका है और मेहुल और आलिया यश के घर में छानबीन कर रहे थे ताकि यश के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। तभी मेहुल को किसी के होने का एहसास होता है। मेहुल आसपास देखता है तो उसे एक भूत दिखाई देता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सीन को देख के बता सकते हैं भूत कहाँ छुपा हुआ है? अच्छे से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। यश के बेड के नीचे देखिए, किसी की परछाई दिख रही है। अब जब घर पे कोई है ही नहीं तो ये परछाई किसकी है? आलिया भी ये देख लेती है। आलिया जंप करके यश के घर के पास पहुंच जाती है, उसे उठाती है और गोस्ट को पकड़ लेती है। सर, ये यश की कंध तो बड़ी हैवी है, यश कैसे इसे इतने आसानी से उठा लेता है? इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये यश तो अजब गजब इंसान है, मुझे भूतों के नाम से नींद नहीं आती और ये दिन रात उनसे खेलता रहता है। आलिया चलो वापस, हमें कैसे भी करके यश को ढूंढना होगा। इसके बाद मेहुल और आलिया यश के घर के बाहर आ जाते हैं जहाँ पर पायलट हेलीकॉप्टर लेके इंतजार कर रहा था। सर, हमें वापस नीचे छोड़ दीजिए। मेहुल और आलिया हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और पायलट उन्हें दोबारा से नीचे छोड़ देता है और अपना हेलीकॉप्टर लेके वहाँ से चला जाता है। आलिया, मैं पास वाले पुलिस स्टेशन में जाकर पता करता हूँ, तब तक तुम मार्केट में जाकर पता करो और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे तुरंत कॉल करना। इसके बाद मेहुल और आलिया अपनी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मेहुल पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस तीन चोरों की पिटाई कर रही थी और उनसे पूछताछ कर रही थी। पहला आदमी कह रहा था, मैं कल रात सीढ़ियों से गिर गया था और सिर से बहुत सारा खून निकल रहा था, इसलिए मैं डॉक्टर के पास पट्टी करने चला गया था, मैंने चोरी नहीं की है। दूसरा आदमी कहता है, मैं कल रात दूसरे शहर गया था, ये देखिए उसके ट्रेन की टिकट। तीसरा आदमी कहता है, मेरा तो हाथ टूटा हुआ है, फिर मैं भला चोरी कैसे कर सकता हूँ? तीनों की बात सुनकर मेहुल समझ जाता है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन लॉजिकल आर्मी, क्या आप समझ पाए? सोचिए सोचिए। तीसरा वाला आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि ध्यान से देखिए, उसका प्लास्टर उसके शर्ट के ऊपर है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब ये प्लास्टर असली नहीं है बल्कि बस ऊपर से लगाया गया है। ये आदमी झूठ बोल रहा है और पुलिस को उल्लू बना रहा है। मेहुल तुरंत लॉकअप के अंदर जाता है और उस आदमी के हाथ का प्लास्टर निकाल देता है। देखो इंस्पेक्टर, ये आदमी उल्लू बना रहा है, इसका हाथ टूटा हुआ नहीं है। वाह सर, आप तो वाकई जीनियस है, लेकिन आप कौन है? मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ और अपने दोस्त यश कोच सेंटर के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने आया हूँ। डिटेक्टिव मेहुल का नाम सुनते ही इंस्पेक्टर तुरंत मेहुल को सल्यूट करता है। सर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आज आपको देख भी लिया, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तब मेहुल इंस्पेक्टर को सारी बातें बताता है। सर, मुझे यश के बारे में तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन आज सुबह ही किराना दुकान के बाहर एक स्पेशल लवारिस बाइक खड़ी मिली थी, हमने उसे पुलिस स्टेशन के पीछे रखवा दिया है। इसके बाद मेहुल और इंस्पेक्टर तुरंत पुलिस स्टेशन के पीछे जाते हैं जहाँ पर वो बाइक खड़ी हुई थी। अरे, ये तो यश की बाइक है। मेहुल यश की बाइक को अच्छी तरह से चेक करता है और तुरंत पुलिस वाले के साथ मार्केट की तरफ निकल जाता है जहाँ पे पुलिस को ये बाइक मिली थी। पुलिस स्टेशन से मार्केट तक जाने के तीन रास्ते थे। पहला रास्ता गौतम नगर से होकर जाता है, लेकिन वहाँ पर मेला लगा हुआ था। दूसरा रास्ता विजयनगर से होकर जाता है, लेकिन वहाँ पर एक ब्रिज नीचे गिर गया था, इसलिए रास्ता बंद है। और तीसरा रास्ता सबसे शॉर्टकट है, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा तालाब है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं मेहुल और इंस्पेक्टर तीनों में से कौन सा रास्ता लेंगे, ए बी या सी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। पहले और दूसरे रास्ते से जाना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मेहुल और इंस्पेक्टर तीसरा रास्ता लेंगे क्योंकि तालाब को पार करने के लिए वहाँ बहुत सारी बोट रखी हुई है। मेहुल एक पुलिस वाले को उसकी कार लेके आने के लिए बोल देता है और बोट लेके नदी को पार कर लेता है। मेहुल और वो इंस्पेक्टर दुकान के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पुलिस को यश की बाइक मिली थी। वहाँ पर सारी दुकानें खुली हुई थी। सर, हमें इस जगह पर यश की बाइक मिली थी। इंस्पेक्टर, जितनी भी दुकानें हैं सबकी तलाशी लो। इसके बाद मेहुल और इंस्पेक्टर दुकानों के अंदर तलाशी लेने लगते हैं। मेहुल और पुलिस वाले काफी देर तक दुकानों की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। मेहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यश की बाइक मार्केट तक कैसे पहुंच गई और फिर यश कहाँ गायब हो गया। दुकान से बाहर आने के बाद मेहुल उसी जगह पर खड़ा हो जाता है जहाँ पर यश की बाइक खड़ी थी। मेहुल अपना पूरा फोकस लगाकर चारों तरफ देखने लगता है। मेहुल को एक दुकान पर डाउट आता है और मेहुल समझ जाता है कि जरूर यहाँ पे कोई गड़बड़ हुई है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं मेहुल ने ऐसा क्या देख लिया जिससे वो समझ गया? सोचिए सोचिए।
ध्यान से देखिए, बगल वाली दुकान के छज्जे पर लाल लाल खून दिख रहा है। यहीं से मेहुल को उस पर डाउट होता है। मेहुल तुरंत छज्जे के पास जाता है और एक कुर्सी की मदद से ऊपर चढ़ जाता है। वहां पर खून के बहुत सारे दाग थे। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये तो किसी का खून लग रहा है। मेहुल बिना देर किए तुरंत खून के सैंपल लेता है और अपने गाड़ी के पास पहुंच जाता है। मुझे सबसे पहले ये सैंपल डॉक्टर संजना के पास पहुंचाना होगा। मेहुल डॉक्टर संजना की लैब की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में मेहुल आलिया को कॉल करता है। आलिया, मैं डॉक्टर संजना के पास जा रहा हूँ, तुम भी वहाँ जल्दी से आ जाओ। इसके बाद मेहुल पूरी स्पीड से अपनी गाड़ी चलाता है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। डॉक्टर संजना किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। डॉक्टर संजना, जल्दी से जल्दी इस खून का डीएनए टेस्ट कीजिए, मुझे तुरंत इसकी रिपोर्ट चाहिए। मेहुल, मैं अभी एक इंपॉर्टेंट रिसर्च कर रही हूँ, तुम थोड़ी देर आराम करो, तब तक मैं कर दूंगी। नहीं डॉक्टर संजना, मेरा दोस्त यश अचानक से गायब हो गया है, मुझे तुरंत इस ब्लड की रिपोर्ट चाहिए। मेहुल को सीरियस देखकर डॉक्टर संजना तुरंत ब्लड को टेस्ट करने लगती है। थोड़ी देर बाद रिपोर्ट तैयार हो जाती है और डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि ये ब्लड यश तक कोषचंडक का है। इतना सुनते ही मेहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इम्पॉसिबल, भला यश को कौन मार सकता है, जरूर इसमें भूतों की रक्षा का हाथ होगा। इसके बाद मेहुल बिना कुछ देरी किए तुरंत दौड़कर लैब से बाहर जाने लगता है। डॉक्टर संजना मेहुल को आवाज लगाती है, लेकिन मेहुल डॉक्टर संजना की आवाज नहीं सुनता और वो अपनी गाड़ी से तुरंत जेल की तरफ जाने लगता है। अब तो सिक्योरिटी गार्ड ही बता सकता है कि भूतों की रक्षा को छुड़ाने के लिए उसे किसने पैसे दिए थे। मेहुल तेजी से गाड़ी चलाता हुआ जेल में पहुंच जाता है और तुरंत जाके सिक्योरिटी गार्ड से मिलता है। मुझे तुरंत उस जगह पर लेके चलो जहाँ पर लड़की ने तुम्हें पैसे दिए थे। सर, वो जगह तो जंगल में है और उस लड़की ने मुझे पैसे लेने के लिए वहीं पर बुलाया था। वो जगह जंगल में हो या मंगल में, तुरंत मेरे साथ चलो। इसके बाद मेहुल सिक्योरिटी गार्ड को लेकर जंगल में उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पे उस लड़की ने सिक्योरिटी गार्ड को पैसे लेने के लिए बुलाया था। यह हवेली तो बहुत पुरानी लग रही है। सर, वो लड़की इसी हवेली के अंदर रहती है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हवेली के अंदर नहीं जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद मेहुल और सिक्योरिटी गार्ड हवेली के अंदर पहुंच जाते हैं। हवेली बहुत डरावनी थी और वहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मेहुल जोर जोर से आवाज लगाता है। मेहुल की आवाज सुनकर एक लड़की बाहर आती है। वो लड़की तो वही मिस्ट्री गर्ल थी जो यश को मिली थी। मेहुल के साथ वो सिक्योरिटी गार्ड भी था जिसे उस लड़की ने पैसे दिए थे। वो लड़की पूरा मामला समझ जाती है और तुरंत वहाँ से भागने लगती है। मेहुल उसका पीछा करता है, लेकिन एक कमरे के अंदर जाके वो लड़की गायब हो जाती है। मेहुल उस कमरे को अच्छी तरह से देखता है और समझ जाता है कि वो लड़की कहाँ छुपी हुई है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं वो लड़की कहाँ छुपी हुई है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, सामने लगा हुआ एक पर्दा हिल रहा है जबकि बगल में लगा हुआ पर्दा बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। अब भला ऐसे कैसे हो सकता है? अगर हवा के कारण पर्दा हिलता तो एक नहीं दोनों मूव करते। इसका मतलब वो लड़की पर्दे के पीछे छुपी हुई है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। सच सच बताओ, तुम कौन हो और तुमने मेरे दोस्त यश तक और सेंटर के साथ क्या किया? मैं रजनी हूँ। क्या हुआ यश को? वो तो मेरा भी दोस्त है। ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, सच सच बताओ तुमने और भूतों के रक्षक ने मिलकर यश के साथ क्या किया? तब रजनी बताती है कि भूतों की रक्षक उसकी माँ है और उसे यश के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो लॉजिकल आर्मी, अब क्या करेगा मेहुल? और भूतों की रक्षक ने यश के साथ क्या किया होगा? और क्या रजनी मेहुल की मदद कर पाएगी यश को छुड़ाने में? देखेंगे हम अगले एपिसोड में।